please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया जबकि एक छिपा हुआ है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए नौशेरा में फायरिंग की। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से गुजरात लौटे। चंडीगढ़ बदसलूकी मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार से आरोपियों का बचाव ना कर सजा दिलाने की अपील की। केरल हिंसा पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अगर बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होता तो हंगामा होता और अवार्ड वापस किए जाते। आतंकियों को आर्थिक मदद देने के मामले में एनआईए ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी से पूछताछ की। वेतन न मिलने से नाराज बेस्ट के 65,000 कर्मचारी आज से हड़ताल पर रहेंगे। महाराष्ट्र के डीजीपी को मुंबई और पुणे में बम धमाके करने की धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई। जम्मू में भारत पाक सीमा पर बहनों ने जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। महाराष्ट्र में पानी बचाने की मुहिम को रिलायंस फाउंडेशन का साथ मिला है। रक्षाबंधन पर दिल्ली और यूपी में बहनों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवादियों को किसी भी तरह का समर्थन बर्दाश्त नहीं। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में दो दागी आईपीएस अधिकारियों एमएम जूरी के केसी अग्रवाल को बर्खास्त किया। 24 महीनों में 6 डेमिरिट पॉइंट मिलने से की वजह से आईसीसी ने जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए बैन किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में माओवादियों के हमले में पुलिस के दो जवान शहीद हो गए। इसराइल ने आतंकवाद को समर्थन का आरोप लगाकर अल जजीरा चैनल को ऑफ एयर करने का फैसला किया। देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन की धूम है। सीरिया की सेना ने होम्स प्रांत में आईएसआईएस के कब्जे वाले आखिरी शहर अल सुखना को आजाद कराया। और इस वक्त रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के आतंकी को मार गिराया है जबकि दो आतंकी फरार हो गए हैं। सुरक्षा बल को पुलवामा के संबूरा में 3 आतंकियों के होने की खबर मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। सुरक्षा बल ने जवाबी फायरिंग की जिसमें एक आतंकी ढेर हो गया। और इस वक्त रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, जो ये मुठभेड़ हुई है इसकी और क्या अपडेट है अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, सांबूरा में ये जो पुलवामा का एरिया है साउथ कश्मीर का, वहां पे कल कॉर्डन हुआ था और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। एनकाउंटर में जो अभी हमें इतला मिल रही है वो एनकाउंटर खत्म हो गया, लेकिन एक मिलिटेंट बताया जा रहा है, पाकिस्तानी मिलिटेंट, जिसकी पुलिस ने भी पुष्टि की है। उमर नाम है मिलिटेंट का, पाकिस्तानी मिलिटेंट है और पुलिस का कहना है कि वो अबू इस्माइल ग्रुप का है। अबू इस्माइल ग्रुप ने ही जो है बताया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रियों पे जो अटैक हुआ था बिजबिहारा के करीब, वो उसमें बुलवस है और मिलिटेंट मारा गया। और बताया ये भी जा रहा है कि जो सोर्सेज बताए हैं, दो मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए क्योंकि 2 से 3 मिलिटेंट जो है वो घेरे में फंसे हुए थे। एक मिलिटेंट मारा गया, दो बताया जा रहा है कि वो भाग निकलने में कामयाब हो गए और कुछ सूत्र ये भी बता रहे थे कि वो जख्मी भी हुए लेकिन उसके बावजूद भी अंधेरे का फायदा उन्होंने उठाया और वो वहाँ एनकाउंटर स्पॉट से भाग निकलने में कामयाब हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। और जनक दवे हमारे सहयोगी की बड़ी खबर,
करीब 8 दिनों बाद गुजरात के कांग्रेस विधायक बेंगलुरु से लौट आए हैं। 8 अगस्त को गुजरात में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक आज अहमदाबाद पहुंचे। कांग्रेस के 44 विधायक 29 जुलाई से ही बेंगलुरु के ईगलटन रिजॉर्ट में रुके हुए थे। ये सभी विधायक कांग्रेस के 6 विधायकों को पार्टी छोड़ने के बाद बेंगलुरु ले जाए गए थे। अब कांग्रेस ने इन सभी विधायकों को आनंद के एक रिजॉर्ट में रखा जाएगा। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को गुजरात के राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब बेंगलुरु से लौटे विधायकों ने एकजुटता दिखाते हुए अहमद पटेल की जीत का दावा किया है। जब हमारे MLAs विधानसभा गृह में वोटिंग के लिए ठीक पहुंच जाए तब लगेगा कि व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। हमारे कार्यकर्ता भी साथ में रहेंगे। हमारी लोकशाही बचाने की लड़ाई है, कुछ घंटे बाकी हैं। गुजरात में जिसके पास SPG का प्रोटेक्शन है, राष्ट्रीय नेता है, वो भी सलामत नहीं रह सकते हैं। आप समझ सकते हैं MLA की हालत क्या होती है। बेंगलुरु से कांग्रेस विधायक अहमदाबाद आ चुके हैं, सुबह की फ्लाइट थी और यहाँ पर वो आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये बस में सारे जो विधायक हैं वो बैठ चुके हैं। यहाँ से इनको सीधा बोरसद का जो निजानंद रिसोर्ट है वहाँ पर ले जाया जाएगा। वह बेंगलुरु में जिस तरीके से रिसोर्ट में रखा गया था बिल्कुल उसी तरीके से इनको आज रखा जाएगा। राखी का दिन है, त्यौहार है, ऐसे में जिनकी बहनें वहाँ उनको राखी बांधना चाहती है, जिन विधायकों को उनके लेकर भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं यहाँ पर। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के अधिकारी से लेके काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल लगाया गया है। विशेष पायलोटिंग दी गई है चूँकि सुरक्षा को लेकर एक खतरा अंदेशा जताया जा रहा था कि शायद कुछ उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ऐसे में अहमदाबाद पुलिस खासतौर पर कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, जिसके चलते भारी पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया। उनको बाकायदा पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ से कॉन्वॉइंग के साथ वहाँ पे खेड़ा ले जाएगा, आनंद ले जाया जाएगा, जहाँ पर निजानंद रिसोर्ट है वहीं पे 2 दिन रुकेंगे। मतलब कि कल तक जब जहाँ चुनाव शुरू होगा वहाँ तक वो रहेंगे और उसके बाद सीधे इसी तरीके से वो कॉन्वॉय में गांधीनगर जहाँ स्वर्णिम संकुल वहाँ पर वो वोटिंग के लिए आएंगे। रक्षाबंधन का दिन है, त्योहार का दिन है, तो आज के दिन में मुंबई में बेस्ट बसेस का बंद जाना बेशक जो आम जनता है उनके लिए एक काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। और जो यूनियन लीडर्स हैं, जो बेस्ट बसेस के बाकी यूनियन लीडर्स हैं, उनसे जब हमने बातचीत की तो उसके दौरान हमें ये भी पता चला कि ये तब तक स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू रखेंगे जब तक इनकी मांगों का या तो हल नहीं निकाल दिया जाएगा या फिर वो मान नहीं ली जाएंगी, और तब तक मुंबई की सारी बेस्ट बसेस रोक के रखी जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वासिनी आपका। और इस वक्त हमारे सहयोगी मोहित चंडीगढ़ से बड़ी खबर दे रहे हैं। चंडीगढ़ में IAS की बेटी के साथ बदसलूकी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल ने ट्वीट कर हरियाणा की खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने BJP सरकार पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने हरियाणा की खट्टर सरकार से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राहुल ने लिखा है कि BJP सरकार को इस घटना के आरोपियों को सजा दिलानी चाहिए, ना कि ऐसी मानसिकता रखने वालों का बचाव करना चाहिए, उनसे दोस्ती साबित करनी चाहिए। चंडीगढ़ में हरियाणा के BJP अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर बदसलूकी और अपहरण का आरोप लगाने वाले IAS अफसर की बेटी सामने आई। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में वर्णिका ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई। वर्णिका ने कहा, मैं क्यों अपनी चेहरा छुपाऊं? चेहरा उन्हें छुपाने की जरूरत है जिन्होंने गलती की है। वर्णिका ने यह भी कहा कि वो इस मामले को अंजाम तक लेकर जाएंगी और उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। वर्णिका ने आरोपियों की जमानत मिलने पर भी सवाल उठाया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है उससे उसके आरोप साबित नहीं होते। चंडीगढ़ की सड़कों पर जो कुछ हुआ वो
वर्निका, मैं जी हाँ मैं नाम ले रहा हूँ, वर्निका अपनी फेसबुक वॉल पर लिख चुकी हैं। वर्निका ने आज हमारे सामने आई है। वर्निका, आपने अपना चेहरा क्यों नहीं ढका, पहले ये बताइए। आप एक संदेश देना चाहती हैं लड़कियों को कि हमने कुछ गलत नहीं किया, जो गलत करते हैं उनके चेहरे ढकने चाहिए, वही छिप कर बैठे हैं। बिल्कुल, मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ तो कुछ गलत हुआ है, तो मैं क्यों अपनी शक्ल छुपाऊं? मेरे को तो शर्म आने की बात नहीं है, शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है, तो शक्ल छुपाने से क्या होगा। वैसे ही फेसबुक पे तो मैंने डाल ही दिया, तो सबको पता ही है कि मेरे साथ ये हुआ है। अच्छा, सोसाइटी में जब भी ऐसी कोई बात होती है तो लड़कियों को कहा जाता है चुप बैठे हैं, लेकिन इस पूरे केस में आपके फादर ने, फैमिली ने जिस तरह से आपका साथ दिया, और पुलिस ने भी, हालांकि वो जो एक्यूज्ड है वो बेल पाने में कामयाब हो गया, लेकिन फिर भी आपने पूरी कोशिश की कि उसको पनिशमेंट मिले, और अभी आगे की लड़ाई क्या रहेगी आपकी? आगे मैं यही करूँगी, मुझे उम्मीद है कि सिस्टम काम करेगा, जो भी जो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए फेयर, वही उन्हें मिलनी चाहिए।